पिछले दिनों पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। आज पूरे विश्व में योगा के प्रति एक लगाव है और अभी एक रूसी दिग्गज बेटी ने योगा पर जो किताब लिखी है मुझे गिफ्ट की। योगा के एम्बेसडर के रूप में इसने पिछले साल काम किया और योगा के प्रचार के लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है। मैंने उसे पूछा हिंदुस्तान में आप कब गई, कहां सीखा, कैसे सीखा, तो मुझे कह रही मैं तो अभी हिंदुस्तान गई नहीं, मैंने इंटरनेट से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे मैं योग में समाहित हो गई और योग ही मेरा जीवन बन गया। आंख बंद करके कोई कह सकता है इस दुनिया में हर पल, चाहे संकट का कालखंड हो या सुविधा का कालखंड हो, कोई एक देश बिना झिझक को अगर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा तो उस देश का नाम है रशिया। हम युद्ध के समय संकट से गुजर रहे थे, यही देश था जिसने हमारी मदद की और हमारे जाबाज जवान युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करके वापस आए। आज पूरे विश्व में भारत के आर्थिक विकास की चर्चा हो रही है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हो, हर कोई एक स्वर से कहता है कि आज दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज है इसमें सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। 20वीं सदी के अंत में ये चर्चा होती थी कि 21वीं सदी एशिया की सदी बनेगी। दुनिया ने मान लिया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन दुनिया ये तय नहीं कर पाती थी कि 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाले लोग कौन होंगे। आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में विश्व जिस प्रकार से भारत की ओर देख रहा है, इशारा साफ साफ है कि हिंदुस्तान 21वीं सदी में अपनी बहुत बड़ी भूमिका है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, भारत दुनिया की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके,